पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं उनको बहुत बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ये दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज को आपने शामिल नहीं किया। इनकी हठधर्मी देखिए, इनकी तंग नजरी देखिए कि पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम का कोई इन्होंने शॉर्ट क्लिप नहीं उस प्रोमो के अंदर यूज किया। बाबर आजम ने चीव क्या किया हुआ है? बाबर आजम से इंडिया से जेलस होता है। बाबर आजम से हजार गुना ज्यादा तो किंग कोहली ने चीव किया हुआ है। शादाब खान प्रोमो के अंदर उसको छक्का मार रहे, रोहित शर्मा, मोहम्मद आमिर प्रोमो के अंदर है, उसकी किलियां उड़ रही है। जिनको प्रोमो के अंदर रखा भी तो उनको तो अच्छे तरीके से रख लेते। आईसीसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनको कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के सेंटीमेंट्स का अंदाजा होने चाहिए, उनके जज्बात का उनको एहसास होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं उनको बहुत बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा ये कि मतलब आप एक पूरी दुनिया के लिए ये बना रहे हैं लेकिन आप दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज को आपने शामिल नहीं किया, और वो भी इतने अरसे से दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज है और आपने उसका एक विजुअल भी नहीं दिया। यार ये हद है वैसे, मतलब थोड़ा बड़ा दिल कर लेना चाहिए भारत वालों, स्टार स्पोर्ट्स वालों, और सबसे बढ़कर तो आईसीसी जो इस वक्त ऑब्वियसली इंडिया के नरगे में है, और उसकी वजह बहुत पैसा है। पैसा जो है वो आपको पता है कि क्योंकि इंडियन स्क्रीन्स पे ये चलना है और वहाँ से मैक्सिमम रियलिटी है, वहाँ से मैक्सिमम पैसा आईसीसी को मिल रहा है, वहीं का ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने भी अपने मुल्क में चलानी है ये सारी की सारी कैंपेन और वहीं से सारी की सारा जो डबल टूज आने हैं, तो इस वजह से अब मजबूरी है उनकी, वो क्या करें। आपका बाबर आजम वहाँ पर दिखाएंगे तो बहुत सारे दिलों के ऊपर जो है वो उनको तकलीफ पहुँचेगी कि बाबर आजम दिखाया है। खत्म। ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और आज आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक प्रोमो वीडियो जारी किया है। ईसीबी और बीसीसीआई का लगता है ये प्रोमो है, ज़्यादा इंग्लैंड के शॉट्स हैं क्योंकि वो पिछला वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, इंडिया होस्ट है तो इसलिए ज़्यादा शॉट्स उनके लगे हुए हैं। दुनिया भर के क्रिकेटर्स की उसके अंदर छोटे छोटे क्लिप्स और शॉर्ट्स लगाए हुए हैं। तब से ये प्रोमो जारी हुआ है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, बड़ी लोग तनकीद कर रहे हैं तकरीबन, क्योंकि हठधर्मी देखिए, इनकी तंग नजरी देखिए कि पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम का कोई इन्होंने शॉर्ट क्लिप नहीं उस प्रोमो के अंदर यूज़ किया, और ये बात दुरुस्त भी है। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि ये जो आईसीसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के सेंटीमेंट्स का अंदाजा होने चाहिए, उनके जज्बात का उनको एहसास होना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने अब प्रोमो पे पंगाबाजी शुरू कर दिया कि शर्म आनी चाहिए, और साथ ये लिख रहे हैं जी आपने जो वो एक बैनर निकाला था आईसीसी वर्ल्ड कप का, उसमें जी शाहीन अफरीदी वो एंड वाली जगह दी हुई है आप लोगों ने, आप इंडिया जेलस होता है बाबर आजम की जो है वो सक्सेस से, बाबर आजम ने चीव क्या किया हुआ है? बाबर आजम से इंडिया से जेलस होता है। बाबर आजम से हजार गुना ज्यादा तो किंग कोहली ने चीव किया हुआ है। बाबर आजम तो उसके आसपास भी नहीं भटकता ना। बाबर आजम क्या चीज है? बाबर आजम क्या है? कौन है बाबर आजम? बाबर आजम जब कुछ बांधेगा ना तब मुझे पता चल जाएगा, अभी तक वो कुछ भी नहीं है अभी तक। सही बात है। क्या बात, ये बात है।